नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शास्त्रों में कहा गया है, किसी व्यक्ति को दान देने या फिर जरूरत के समय उसकी मदद करने से व्यक्ति को आंतरिक प्रसन्नता तो मिलती है, साथ ही भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। कई बार आसपास के लोग कुछ जरूरी काम का सामान लेने आ जाते हैं और हम उनकी जरूरत के समय वो सामान देने से मना नहीं कर पाते और वो दे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दान देने के भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि दान देने का भी सही समय होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गलत समय पर दान देना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। यहाँ तक कि ऐसा करने से आपको दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद किन चीजों का दान करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, पहले एक बार दान देख ले। कई बार गलत समय पर दिया गया दान व्यक्ति की आबादी का ही नहीं बर्बादी का कारण बनता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ चीजें भूल कर भी सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद इन चीजों का दान शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी से उधार लेन देन भूल कर ही ना करें। ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय दूसरों से लिए गए पैसों से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इतना ही नहीं, शाम के समय उधार लिए गए पैसे से नेगेटिविटी भी आपके पास आ जाती है। दूसरा है, मान्यता है कि दिन ढलने के बाद किसी को दूध या दही का दान भी ना दे। दूध का संबंध चंद्रमा और सूर्य से बताया गया है, वहीं दही का संबंध शुक्र से बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दूध और दही के दान से घर की बरकत चली जाती है और जीवन में सुख और वैभव की कमी आने लगती है। इसके अलावा मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद अगर आपके पड़ोसी लहसुन या प्याज मांगते हैं तो भूल कर ही ना दे। ज्योतिष के अनुसार लहसुन प्याज का संबंध केतु से बताया गया है। केतु को ऊपरी ताकत का स्वामी कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद इन चीजों को लेन देन करना अशुभ माना गया है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।